तो हेलो मेरे जिगर के टुकड़े लोंडे लोग, आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भाभी के ऐसे पांच इशारों के बारे में। यदि कोई भाभी आपको ये पांच इशारा दे रही है तो समझ लेना मेरे भाई कि वो आपसे प्यार करती है, अपने पति को छोड़कर आप पे उसका दिल आ गया है, आपसे वो मिलना चाहती है, बातें करना चाहती है, आपके साथ टाइम बिताना चाहती है। तो भाई सब मिलाकर एक ही बात उठता है मेरे भाई, भाभी यदि आपको पसंद कर रही है या आपको प्यार कर रही है या आपसे रिलेशनशिप बनाना चाह रही है तो मेरे भाई फिजिकल होना चाह रही है, फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाह रही है। वो आपको इशारा दे रही है पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही पांच इशारों के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपका कीमती समय को वेस्ट किए बिना सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर। नंबर वन, कभी भाभी आपके साथ आपके आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराती है, शर्माती है, अपने बालों से खेलती है तो मेरे भाई समझ लेना भाभी का जो दिल है आपके दिल में आकर टकरा चुका है। पर आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपका दिल में भी देखकर घंटी बजता है पर आपको डर लग रहा है कि वो भाभी क्यों देखकर शर्मा रही है, आप थोड़ा घबरा जाते हैं। तो मेरे भाई यदि आपके साथ कोई भाभी इस तरह हरकत करती है तो भाई तुरंत समझ लेना उसके इशारों को। तो भाई मेरे इस बात पे मुझे एक शायरी याद आ गई, भाभी के नजरों को नज़रअंदाज मत करो, भाभी के नजरों को नज़रअंदाज मत करो। भाई मेरे भैया ने बहुत गम दिए हैं उसे, भैया ने बहुत गम दिए हैं उसे, उस गम को कम आप करो। और नंबर टू, बात करते करते बहुत ज़्यादा आपके करीब आने लगे तो भाई मेरे कोई भाभी आपसे बात करते करते आपके करीब आए, आपके शरीर में टच करे, आपको धीरे से एकदम लगड़ के निकल ले तो भाई मेरे इसको हल्का में मत लेना। जब सटता होगा तुम में, बात करते करते टच करता होगा तो अंदर से सनसना जाता होगा ना रे, तब जब तुम सनसना गया एक बार सटने से तो वो तो सोच के आई है कि हाँ उसमें सटना है तो उसको कितना सनसनाहट होता होगा, तुम सब सोचो। तो बस इस इशारा तुम समझ नहीं पा रहा, हाँ तुम्हारा अंदर में सटने का बाद गजब फील हुआ लेकिन कहेगा नहीं, चुप हो गया डर से, तो इस सब डर को निकालेगा तब भाभी पटेगा। भाभी इशारा दे रही है उसको समझो, यदि समझ लिया ना बाबू तो बहुत आगे तक जाएगा, इतना आगे तक जाएगा खाली उसका पति को मालूम मत हो देना। नंबर थ्री, आपके पास आते ही वो भाभी लंबी लंबी सांसें लेने लगे तो भाई वो बहुत बड़ा इशारा आपको दे रही है, उसे समझिए। वो इस सब इशारा से आपको समझा रही है कि मैं प्यासी हूँ, मैं उस चीज़ की प्यासी हूँ जो मुझे मेरे पति पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे मुझे मिल सकता है पर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो समझिए इस सब बात को, आगे से कोई औरत आपके सामने इस तरह का हरकत करे तो भाई मेरे मेरे वीडियो को एक बार माइंड पर दौड़ा लेना और उस भाभी से हर कुछ बोल देना जो आपके दिल में हो। नंबर फोर, भाभी आपको देखते ही आपसे नज़र मिलते ही अपने बालों से खेलने लगे, अपने बालों को संवारने लगे, अपने जुल्फों को संवारने लगे तो मेरे भाई भाभी ये सब इशारा दे रही है, आपको करीब आने का मौका दे रही है। भाई इस मौका को कभी मत छोड़ना, भाई मेरे एक एक पॉइंट जो है बहुत ही आपके काम आने वाला है। किसी के सामने कोई भी औरत कभी भी इसी तरह बाल नहीं संवारेगी। और नंबर फाइव और लास्ट, यदि आपको भाभी कहीं देख लें या आपके नज़र से नज़र मिल जाए तो वो भाभी अपने होठों से खेलने लगेगी,
अपने ओठों को अपने दांत से दबाने लगेगी, अपने ओठों से इंस्पिरेशन देने लगेगी। इस तरह मेरे भाई अपने जीभ से अपने ओठ को चाटने लगे तो मेरे भाई ये बहुत बड़ा उसका समस्या है कि वो पूरा उसे नहीं मिल रहा है, भैया उसे पूरा नहीं कर रहे हैं जो आपसे वो चाह रही है। यदि मेरे भाई ये पांच इशारा को देखकर भी आप उस भाभी को कुछ नहीं कर पाए तो मेरे भाई इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए। ये सब इशारा को यदि आप समझ नहीं पाए तो ज़िंदगी में आपसे कुछ नहीं होगा। यहीं पर मेरा वीडियो को बंद कीजिए और निकल लीजिए। इतना समझाने के बाद भी आपको कुछ दिमाग में नहीं ढूंगा तो उसका क्या वीडियो देखने से फ़ायदा, जब कोई भाभी आपको देखकर प्यासी रह जाए, अपना इच्छा को पूरा नहीं कर पाए तो मेरा वीडियो मत देखिए। ऐसे लड़कों पे मुझे लालच है, ऐसा लड़का के लिए वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। तो चलिए, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कुछ समझ आया, आपके दिमाग में कुछ आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ, आपके सामने पेश करता रहता हूँ। चलिए, ओके, गुड बाय।